ये आ गया जी बर्थडे गर्ल, बेलन मेरे दिखा। से मैंने ना उसके लिए ले लिया है सरप्राइज गिफ्ट। ये छोड़ के ना बाकी, ये सब छोड़ के ना बाकी कुछ भी ले आओ। बड़ा ही क्यूट सा ना छोटा सा एक केक मिल गया है जैस की। मुझे क्या दिया है? जादू की पिटारी। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं राजीव फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज श्रीमती का जन्मदिन है। हाँ जी, जैस का जन्मदिन है। आज है तारीख 21 अक्टूबर 2024, तो दिन है सोमवार का। तो आज जैस का जन्मदिन है, आज के दिन को हम अच्छे से बिताएंगे। वानी देखिए जाग चुका है और आज मम्मी का हैप्पी बर्थडे है। वानी वानी केक खाओगे? टूटू पता नहीं, टूटू बोला शायद, यस बोला होगा, है ना मानी? तो अब मैं जा रहा हूँ बाजार में। बाजार से ना आज जैस के लिए कोई अच्छा सा केक देख कर लाता हूँ। ये कोई छोटी सी ना प्रेम जो बच्चों वाली होती है, पता नहीं कौन यहाँ पे फेंक के चला गया है, कि शायद कोई बच्चा भूल गया होगा। ये हमारे लॉन में पड़ी है सुबह से। तो अब चलते हैं, चलो गाड़ी। मैं आया था बाहर तो देखा इसको मैंने, यहाँ पे साइड पे रख दिया, अगर किसी की होगी तो उठा के ले जाएगा ना। गर्मी वाले दिन बस अब शुरू हो चुके हैं, देख लीजिए 23 डिग्री हो गया है बाहर का तापमान। तो गर्मी अभी बस शुरू होगी, 24-25 कई बार तो 30 तक चला जाता है। इंडिया जितनी गर्मी तो नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरह की गर्मी है। तो चलते हैं अब। ये हमारा लॉन है फ्रंट साइड वाला, घास भी काटने वाला हो गया है। बेकरी पे जहाँ पे मैं गया था उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन बची थी, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। न्यू वर्ल्ड में हमेशा काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं केक्स में। तो ये सुपरमार्केट है, न्यूजीलैंड की लोकल सुपरमार्केट है, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है इसे। तो चलते हैं अंदर और कोई केक पसंद करते हैं यहाँ से। तो न्यू वर्ल्ड हेस्टिंग में देखिए कितनी ज़्यादा केक की वैरायटी है और कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पड़े हुए केक। तो चलो एक छोटा सा क्यूट सा केक ढूंढते हैं जैस के लिए, और ढूंढने के बाद मैं आपको जल्द ही मिलता हूँ गाड़ी में। तो वो लेडी आ रही है, उनसे बात करते हैं कि अगर वो हमारे लिए कोई अच्छा सा केक ढूंढ दें या फिर बना दें। बड़ा ही क्यूट सा ना छोटा सा एक केक मिल गया है जैस की पसंद का, जैसे जैस को पसंद है। तो ये देखिए उन्होंने अच्छे से बॉक्स में पैक करके दे दिया है, बाकी हम खोल के आपको प्रॉपरली दिखाएंगे शाम को जब जैस इस केक को काटेगी। जैस को मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने उसको कहा कि मैं जा रहा हूँ काम पे और मैं आ गया हूँ उसके लिए शॉपिंग करने, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से उसका मनाया जा सके, जन्मदिन मनाएंगे हम। तो पहले तो मैंने दिखाया कि केक ले लिया, अभी मैं एक और शॉप पे आया था, यहाँ से मैंने ना उसके लिए ले लिया है सरप्राइज गिफ्ट। तो सरप्राइज गिफ्ट भी उसको शाम को देंगे जब केक काटेंगे। हम वेट करेंगे सहज की स्कूल से आने की, क्योंकि सारी फैमिली जब इकट्ठी हो जाएगी, हमारी सारी फैमिली वैसे तो इंडिया में रहती है, यहाँ पे तो हम चारों ही हैं, बाकी मम्मी मेरे भाई बहन जैस की पूरी फैमिली इंडिया में ही है। तो उनकी तो विशेष आ ही रही हैं, अभी इंडिया में रात है, यहाँ पे दिन पहले निकल आता है न्यूजीलैंड में। तो मैंने कुछ लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन बाकी सरप्राइज ही रहेगा, जैस जब शाम को खोलेगी आपको भी पता चल जाएगा और उसको भी। तो ये रही जी कुछ आइटम है, केक तो मैंने दिखा दिया था, खोल के शाम को दिखाएंगे, कुछ और आइटमें हैं यहाँ पे, और जो सरप्राइज है वो भी आपको पता चलेगा कि शाम को जैस को क्या सरप्राइज मिलने वाला है। जैस ना अब लंच पे आने वाली है, तो मैं उसके लिए एक कार्ड लेकर आया था, तो इस पे अब कुछ लिखना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या लिखूँ। कार्ड बहुत क्यूट सा है ये वाला। बाहर लग रहा है कि जैस आ गई है, चलो देखते हैं इसको, हर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अभी अभी काम से आई है लंच के लिए। हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू जैस? थैंक यू। हाउ आर यू? गुड। आपका जन्मदिन है तो आप क्या हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि कितने साल के हो गए हैं आप?
जो लेडीज होती है ना उनकी एज 21 के बाद नहीं बढ़ती, दैट्स व्हाई सो आई एम स्टिल 21. ओह स्टिल 21, हां मुझे लगता पूछना ही नहीं चाहिए. वैसे लेडीज को पूछना नहीं चाहिए ना, ऑफेंस होता है, फिर भी आपने सवाल पूछा मैं जवाब ना दूं. ठीक है तो मैं हूं आज फिर से 21. अरे वाह क्या बात है, बहुत भूख लग रही है. भूख लग रही है, क्या खाओगे फिर आज? बहुत सी चीजें खाने का मन है. कॉपी पेन ले आओ. हां जी कॉपी पेन लेके आओ, पेन पेपर लेके आओ. तो वैसे तो नहीं, हाँ याद कर लो. हाँ याद कर लेना. पनीर, सोयाबीन की बड़ियाँ दो, काले चने और सफेद चने तीन, मसूर की दाल चार, मूंगी की दाल पांच, और कुछ कढ़ाई पनीर तो नहीं कहीं, पनीर कोई सा भी पनीर छः. कितने हो गए? सिक्स आइटम होगी आज. ये सारी की सारी मेरी फेवरेट हैं, आज तो मजा आएगा. नहीं ऐसे करो, ये छोड़ के ना बाकी, ये सब छोड़ के ना बाकी कुछ भी ले आओ. अरे ये तो मजाक ना. अरे आपको पता है ना कि ये सब मेरे को पसंद नहीं है, बाकी कुछ भी ले आओ, लेकिन मेरे को ये पनीर वनीर ये सब नहीं चाहिए. आपको पता है ना कि वेजिटेरियन है तो मीट वीट हम खाते नहीं है ना. ठीक है, तो ये सब छोड़ के, ये छह चीजें छोड़ के ना कुछ भी ले आओ. सोचना पड़ेगा, मुझे पहले ही पता था कि जो मेरी फेवरेट होंगी आप नहीं खाएंगे. ठीक है कोई बात नहीं, आज हमारा दिन है भाई, हम खाएंगे अपनी मर्जी से. पता है मैं सोच रही हूँ कि खाना पीना तो चलता रहता है ना. जो लेडीज होती है ना, वैसे गर्ल्स नहीं ना, 21 year old गर्ल्स, सबसे पहले कोई गिफ्ट तो लेके आओ भाई, हमारा जन्मदिन है आज. अच्छा, गिफ्ट लेके आओ. गिफ्ट गिफ्ट तो आपको दे देंगे, गिफ्ट लेकिन तो हमारा बनता है. सरप्राइज है वो तो, हम पहले ही लेके आ चुके हैं लेकिन हमने छुपा दिया है. केक भी ले आए हैं, बहुत ही क्यूट सा आपका फेवरेट केक है और हमने छुपा दिया है. जैसे ही आएगी सहज, हमें फैमिली को पूरा करना है पहले, जैसे ही सहज आएगी हम आपको आपका गिफ्ट भी दिखा देंगे. अच्छा ठीक है, गिफ्ट आपने बोला सरप्राइज है, ठीक है हम किसी को नहीं बताएंगे, हमें बता दो. नहीं नहीं आपके लिए तो सरप्राइज है. अरे हम किसी को नहीं बताएंगे ना, हमें बता दो क्या सरप्राइज है हमारे लिए. ऐसे नहीं हो सकता. मुझे पता है कि जैस की फेवरेट सब्जी क्या है. इसकी फेवरेट सब्जी जो है ना आलू पकौड़े हैं, जिसे राजस्थान वाली सब्जी कह सकते हैं. काफ़ी सारी मसालेदार सब्जी, इसे पनीर वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए इसने मेरी सारी फेवरेट सब्जी की ना दी. ये देखिए, तो मैंने पहले ही वो सब्जी जो है आज उसको कुक करके रख लिया था सुबह ही जब ये काम पे गई थी. तो वो अभी भी उसी के साथ हमारा लंच होगा, जैस की फेवरेट सब्जी के साथ. पनीर मेरा फेवरेट है लेकिन जैस का नहीं है. मुझे ना पनीर इतना अच्छा नहीं लगता, पनीर के पराठे कभी कभी पराठे खा लेती हूँ, बहुत रेयरली पनीर अच्छा लगता है. मेरा फेवरेट जो है ना बेसिक सब्जी कोई भी आलू वाली सब्जी, ऐसे आलू पकौड़े मेरे को बहुत पसंद है. तो मेरे हस्बैंड ने आज मेरे लिए आलू पकौड़े बनाए मेरे जन्मदिन पे फिर से. थोड़े से बलून लेकर आया हूँ तो इसको भी फुला लेते हैं और इसके साथ फेफड़ों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, वो भी अच्छा. ये आ गई है जी बर्थडे गर्ल बेलन. मेरे बर्थडे के बलून रेडी हुए कि नहीं हुए? सब्जी मैंने बना दी थी, रोटी नहीं बनाई थी, मैंने कहा कि आप खुद बना लो. आज बर्थडे गर्ल को काम करना पड़ गया, सॉरी है इसके लिए. मैंने सिर्फ बलून चेक करने हैं, मेरे बलून हुए कि नहीं हुए? अभी रेडी हो जाएंगे थोड़े टाइम में. इसमें मैंने अपने दिल की हवा भर दी है. ठीक है, ये वाली डेकोरेशन ली है, ये देखते हैं इसमें क्या निकलता है. ये तो बहुत टाइट है, अंदर फंसी हुई है. पूरा जोर लगा दिया, अब निकली है. अच्छा ओ ये वाली है, दिवाली वाली डेकोरेशन जो हम इंडिया में लेते थे वैसी लग रही है बिल्कुल. ये देखिए तो देख लीजिए, हमारी आलू पकौड़ों की सब्जी ऐसी बनी है और जैस यहाँ पे टोटियाँ उतार रही है छोटी छोटी. अच्छी अच्छी सहज के स्कूल में आ गए हैं सहज को लेने के लिए. और देखिए बानी ने ना जागते ही पहले सबसे बलून उठाए और गाड़ी में लेकर आ गए. बानी लो. हाँ जी
आगे कांड प्लोने हैं किधर बर्थडे से आज सहज भी आ गई है देखिए स्कूल से छुट्टी हो गई है ना सहज आज की घर चल के केक कटेगा किधर बर्थडे है तनु पता मैं यम्मी केक लेके आया छोटा जा हां स्मॉल वन नो दिस इज फॉर टू हां यू ईट एज वेल ओके पानी भी ईट कर लूंगा खाना नहीं तू हां जी नहीं बानी के तो आज मजे हो गए देखो बलून ही बलून बानी के पास है ना बानी तो जब केक खोलते हैं बारी आती है केक काटने की जैसे हो रही है रेडी अंदर तो हम खोलते हैं तब तक केक जैस भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अब हम काटेंगे जल्दी ही केक तो बानी हमारा थोड़ा सा नाराज हो गया है पता नहीं क्या हुआ एकदम से रोने लग गया वो चला गया कैमरा से बाहर तो वहां पे खेल रही है तो चलो केक काटते हैं अब हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे चलो जी केक कटो हम तो पहली बाइट सहज नू दे दो फिर थैंक यू करो मम्मा नू हाँ ये किया ये प्लास्टिक तो नहीं कहते हैप्पी बर्थडे जीत लेके असली केक बहुत अच्छा है जी पानी आ जाओ बत्ता केक खाना पानी हो गया था थोड़ा सा नाराज तो पानी के पास हमने केक ले आए हैं खा लो बेटा पानी खा लो यम्मी कह दो हैप्पी बर्थडे टू मम्मा हैप्पी बर्थडे टू मम्मा लाइक इट यम्मी 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 पानी ध्यान से सोच रही है ओ थैंक यू तो ये है जी हमारा सरप्राइज गिफ्ट जा रहा है बर्थडे गर्ल की ओर लो जी थैंक यू अब देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें चलो जी बानी आ गया उन्हें बानी बानी हैप्पी हो गया है देखो जी कम देख ली थैंक यू ये तो सहज का क्यूट सा प्रेजेंट है मेरे लिए सहज का बाद में खोलते हैं पहले देखते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है जादू की पिटारी वाओ ये तो चॉकलेट्स है फेरो माय फेवरेट ओह ब्यूटीफुल इयररिंग्स फॉर मी थैंक यू हैप्पी बर्थडे थैंक यू बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं पसंद आए बहुत अच्छी नाइस और ये रहा एक card just for me oh wow it says you are the best wife and a great mother wow thank you happy birthday to you. me happy birthday to me mani ne bhi aise kar diya ab to jitne bhi log video dekh rahe hain na to jess ko wish kar do niche comment mein happy birthday ki to hum aapko jaldi hi milenge next video mein